सुनिए, उठ जाइए। तुम मेरे पास क्या कर रही हो? कितनी बार बोला हुआ मुझसे दूर रहा करो। सॉरी, वो आपके ऑफिस का टाइम हो रहा था और इसलिए मैं आपको उठाने आ गई। नहीं जाना ऑफिस, और जाना भी होगा ना खुद उठ के चला जाऊंगा। तुम मुझसे दूर रहा करो। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मेरा सुबह सुबह माइंड खराब मत करो। ये भी आज का नहीं है, आज का न्यूज़पेपर कहाँ है? ये अनपढ़ होके पढ़ने की चीज नहीं है, इधर दो इसे। ये लीजिए, वैसे मुझे आता है पढ़ना। इधर आ, आता है पढ़ना। पढ़ इसे, क्या लिखा है? पढ़। How the? पढ़ लिया तुमने तो, इतनी देर में दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, पर तुमसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं पढ़ी जाएगी। आता है पढ़ना, अपना काम करो जो तुम्हारा काम है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, मैं तो हर किसी को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं ये मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं करते हैं। वाह, अब ये रोने धोने के ड्रामे भी शुरू कर दिए। तो आप ही बता दीजिए ना, मेरी क्या गलती है, आप मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं करते हो? कोई गलती नहीं है तुम्हारी। तो आप मुझसे ऐसे क्यों बात करते हो जैसे मैं इस घर की बहू नहीं कोई गुनहगार? प्लीज आप मुझे बता दीजिए, ऐसी मुझ में क्या कमी है? प्लीज। बोला ना, कुछ कमी नहीं है। संजू प्लीज सुनिए ना, अरे मम्मी आ गए आप? मुझे बता देते मैं आ जाता लेने। अरे कोई नहीं, यहाँ तक की डायरेक्ट टैक्सी मिल गई तो मैं डायरेक्ट से आ गई। चलो लाओ, मैं उठा लेती हूँ। मैंने कितनी बार बोला मुझसे दूर रहा करो, अपने आप उठा लूंगा मैं। और माँ कैसे हो, और ट्रिप कैसी रही आपकी? बिल्कुल ठीक हूँ, और ट्रिप की तो पूछ मत, बहुत मजा आया, सब जगह के दर्शन अच्छे से हो गए। तुम दोनों ठीक हो ना? हम दोनों का छोड़िए, हम तो ठीक ही हैं। आप बताइए क्या खाएंगी, क्या बनाऊँ आपके लिए? जो तू प्यार से बनाएगी वही खा लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं आपका फेवरेट मटर पनीर बनाऊँ? ठीक है ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप रेस्ट करो। ओके। भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले, कितना ख्याल रखती है सबका, और तेरी जिंदगी तो देखियो कैसे बदलेगी। हाँ बदल तो दे मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी खराब कर दी है। आपको कोई और लड़की नहीं मिली थी शादी कराने के लिए? यही मिली थी काले रंग की। तू रंग को क्यों देख रहा है, उसकी खासियत देख, बस एक चीज के पीछे पड़ा हुआ है। तेरे को जाने से पहले कह के गई थी कि उसके साथ आराम से रहेगा, साथ में रहेगा, बात करेगा, पता लग जाएगा। अरे क्यों बात करूं, बात करने लायक है इतनी सुंदर वो? संजू आपने मुझे कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा, कहीं उसको लेके जाऊंगा, उसके साथ जाऊंगा, सब बोलेंगे इसकी वाइफ देखो कितनी काली है। जिंदगी तूने गुजारनी है उसके साथ के लोगों ने, लोगों का काम है आग लगाने का, और तू उनकी बातों में आ जाता है। मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा, आपने जो बोला मैंने वो किया, पर आपने मेरी शादी ऐसी लड़की से। ऐसी ऐसी क्या, तूने कभी उसके साथ बैठ के अच्छे ढंग से बात की है? मुझे नहीं पता, आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा मुझे। क्या कमी है उसमें? अरे उसका रंग देखा आपने,
कमी तो तुझमें भी है बेटा, उसकी कमी को देख रहा है और अपनी आप रहने दो, आप तो बस उसी की साइड लोगे है ना। मैं उसकी साइड नहीं ले रही, मैं सही की साइड ले रही हूँ। आपसे तो है ना बात करना ही बेकार है। प्रिया बेटा चिंता ना कर, समझ जाएगा वो, उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे। माँ कैसे ना दूं ध्यान जब तुम्हारा पति ही तुम्हारे काले रंग से भेदभाव करे। शांत हो जा बेटा। माँ आपने मुझे पसंद ही क्यों किया था जब आपको पता था कि इन्हें इंसान से ज्यादा उसके गोरे रंग से प्यार है। मुझे क्या पता था वो ऐसा करेगा, उसकी डिसेबिलिटी को लेके बहुत लोगों ने मना कर दिया था, एक तू ही ऐसी थी जिसने फिर भी हाँ करी। माँ कमी हर इंसान में होती है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो फिजिकली डिसेबल्ड है। काश वो भी ऐसा ही होता। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है। क्या सारा कसूर मेरे इस काले रंग का है? मैंने सब सुन लिया था जो जो आपने माँ को बोला। मेरा रंग गोरा नहीं है लेकिन मैं सब जानती हूँ, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, खाना बनाना, लॉ की डिग्री है मेरे पास, अनपढ़ नहीं हूँ। मेरी बस एक ही गलती है कि मैं सांभली। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कब तक दबा के रखोगे? अच्छा आपको ये लगता है ना कि आप मेरे मुंह पे बोल दोगे तो मुझे हर्ट हो जाएगा? सब बिल्कुल भी नहीं है, आप बोल दो आपको क्या बोलना है। अरे मेरे मन में कुछ नहीं है, बोला ना है लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो। मुझे पता है आपको मेरे काले रंग से प्रॉब्लम है, आप बोल दो मुझे हर्ट नहीं होगा। बचपन से सुनते आ रही हूँ, मैंने सोचा था मेरी शादी होगी मेरा पति समझेगा, लेकिन किसने सोचा था ये सारी जिंदगी मुझे सुनना पड़ेगा। अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो उसी वक्त मना कर देते ना, शादी करके परिवार वालों को क्यों हर्ट कर रहे हो? अरे हाँ हो गई मुझसे गलती, मैंने कर ली तुमसे शादी, नहीं हो तुम मुझे पसंद, मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था। अरे आज तक मैंने काले रंग के कपड़े नहीं पहने और मेरी वाइफ का रंग काला है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? इसीलिए तो मैं बोलता था मुझसे दूर रहा करो, मुझसे मत बात किया करो। बात ना करूं? आपकी तरह मेरे भी कुछ सपने थे जो मैं छोड़ कर आई थी। जिस भी लड़की की शादी होती है सबके सपने होते कि शादी के बाद ये करूंगी, शादी के बाद वो करूंगी। भूल जाओ, कोई सपने पूरे नहीं होने वाले और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, ये कभी नहीं होने वाला। हेलो हेलो, तू ठीक है? हाँ माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सबका ख्याल रखियो, माँ का भी और संजू का भी। हाँ जी माँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लो। संजू तो तेरा ध्यान रखता होगा? हाँ सब ठीक है, सब अच्छे। चलिए फिर मैं आपसे कल बात करती हूँ। चल ठीक है, बाय। माँ
मैं परसों डॉक्यूमेंट लेके आया था, बहुत जरूरी थे, मिलने रहे कहीं भी, लगता मुझसे खो गए। अरे वो खोए नहीं है, वो ना मैंने लॉकर में रख दिए थे, बाहर ही आपने छोड़ दिए थे, मैंने पढ़े तो मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो मैंने रख दी। तुझे एक बार मना किया था ना संजू की चीजें चढ़ने के लिए, फिर क्यों चढ़ी? लेकिन माँ। क्या लेकिन, एक बार समझाया था ना संजू की चीजें नहीं चढ़नी तो नहीं चढ़नी। माँ ठीक है ना, इसने उठा के रख दिए, नहीं तो मुझे याद ही नहीं थे, शायद मैं खो ही देता। अगर अब इसके छूने से तेरे पेपर काले हो गए होंगे तो? माँ ये कैसी बातें कर रही हो? यही तो मैं कह रही हूँ, तू क्या कर रहा है? मतलब? मतलब यही कि रंग भेद। माँ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कब तक नहीं करेगा इस बारे में बात तू? इस लड़की की जिंदगी मैं इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तेरे को तो गोरा रंग पसंद है ना, अगर तेरी माँ काली होती तो उसे बाहर छोड़ आता तू? माँ क्या माँ, कल को तेरी बेटी काली पैदा होगी तू तो उसे भी बाहर छोड़ आएगा, क्योंकि वो काली है। और अगर बेटा मैं गोरी बहू ले आती, वो तेरी रिस्पेक्ट ना करती, मेरा ध्यान ना रखती, मुझे तंग करती बार बार, फिर क्या होता? माँ एक कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ठीक बोल रही हूँ, बच्चा जो भी करता और बोलता है ना, इसमें उसकी माँ बाप की परवरिश झलकती है। तेरे पापा तो बचपन में ही गुजर गए, इसका मतलब मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बेटे तेरे को संजू की डिसेबिलिटी होने से कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुझे क्या परेशानी है इसके काले रंग से? इसके ख्वाब नहीं है क्या? इसको अजीब नहीं लगेगा जब ये अपने दोस्तों को बताएगी कि इसका पति डिसेबल्ड है? नहीं इसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ इसको जिंदगी तेरे साथ बितानी है, उन लोगों के साथ नहीं। तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? और सच बताऊँ सेक्रीफाइस तो ये कर रही है, इसके तो हाथ पैर सही से काम कर रहे हैं, और बेटा तेरा एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा ना। बेटा मैं तेरे को नीचा नहीं दिखाना चाह रही, तेरी आंखों पे पड़े पर्दे को हटा रही हूँ। माँ रहने दीजिए, मैं जैसी हूँ ऐसी ही ठीक हूँ। मैं जानती हूँ तू ठीक नहीं है, तेरे पे क्या बीत रही है तू जानता है ना विवेक को, जिसकी वाइफ बड़ी सुंदर है, कल उसकी वाइफ ने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया और विवेक ने भी कुछ नहीं बोला। अगर गोरे रंग वाले ऐसे होते हैं ना तो मुझे तो यही ठीक है, और ये काला गोरा क्या होता है? रंगों की खोज ना हुई होती ना तो किसी को क्या पता क्या काला क्या गोरा। इंसान तन से नहीं मन से साफ होना चाहिए, और मैं जानती हूँ प्रिया कैसी है और कैसी नहीं। अगर अभी भी तुझे काले गोरे में भेद करना है तो आगे से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। संजू कहाँ जा रहे है? प्रिया इधर आओ। क्या कर रहा है संजू तू? तुम्हें सुनाई नहीं दिया, इधर आओ। संजू एक बार सोच ले तू। सोच लिया माँ, अब तो पूरी जिंदगी इसी के साथ बितानी है। और माँ तुम घर का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं हनीमून पे, और तुम रेडी हो जाओ कहीं मुझे माँ और कोई पसंद आ जाए। तुम किसी और की तरफ नजर उठाकर तो देखो। ओहो अब इस बात पे लड़ लो तुम दोनों। नहीं नहीं माँ अब हम किसी बात पर नहीं लड़ेंगे। मुझे माफ कर दो माँ। माफी मुझसे नहीं इससे मांग जिसको तूने इतना रुलाया है। नहीं नहीं माँ मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। अब अपने दुष्ट पति को माफ करोगी या तुम्हें भी किसी चीज पे नाराज होना है? नहीं मैं कभी नाराज नहीं होगी। आई लव यू। आई लव यू टू।